सलमान खान की फिल्म दबंग साल 2010 में आई थी, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इसके बाद सलमान एक बार फिर करप्ट पुलिस वाले के रूप में साल 2012 में दबंग 2 के जरिए फैंस के बीच नजर आए। दर्शकों से उन्हें दोबारा बेशुमार प्यार मिला, लेकिन इसके बाद उन्होंने फैंस को लंबा इंतजार करवाया और दबंग 3 के लिए पूरे 7 साल का समय लिया। लेकिन लगता है कि दबंग 3 के रिलीज के बाद सलमान खान अपने फैंस को दबंग 4 का इंतजार नहीं करवाना चाहते, इसीलिए दबंग 4 की स्क्रिप्ट पूरी की जा चुकी है और फैंस भी अभी से दबंग 4 की मांग कर रहे हैं। दबंग 3 ने अपने पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था। सलमान खान पहले ही बता चुके हैं कि दबंग 4 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। सलमान खान से जब पूछा गया कि इन दिनों फिल्म मेकर सिक्वल के लिए परेशान हो रहे हैं और आपने फिल्म का प्रीक्वल लाया है, इसके जवाब में सलमान खान ने कहा, हमारे पास दबंग 4 की स्क्रिप्ट भी तैयार है। फिल्म के आइडिया पर बात करते हुए सलमान ने बताया कि कभी कभी एक फिल्म आपको दूसरी फिल्म का आइडिया दे देती है, जिस प्रकार से एसएस राजामौली की बाहुबली ने बाहुबली 2 का आइडिया दे दिया था और इसी प्रकार से केजीएफ ने केजीएफ चैप्टर 2 का आइडिया दे दिया था और इसी तर्ज पर क्रिश 4 के साथ क्रिश 5 का भी निर्माण किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है सलमान खान दबंग 4 के साथ दबंग 5 के बारे में भी सोच रहे हो? अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो दबंग 4 को डायरेक्ट करेंगे रोहित शेट्टी। अब दबंग 4 की कहानी किस पुलिस अफसर को केंद्र में रखकर लिखी गई है ये तो तभी पता चलेगा जब दबंग 4 रिलीज होगी। लेकिन दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको दबंग 4 का इंतजार है? यदि इस फिल्म को प्रभु देवा डायरेक्ट करेंगे तो ये फिल्म कैसी होगी और अगर रोहित शेट्टी डायरेक्ट करेंगे तो ये फिल्म कैसी होगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया फिर मैं अपने आप की